हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंदन आचार्य जी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से अपने यूट्यूब चैनल की जो वीडियो है उस वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन को कैसे सेटअप करेंगे, और साथ में ये देखेंगे कि एंड स्क्रीन हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, मतलब इसकी बेनिफिट क्या है। तो अगर आपको एंड स्क्रीन के बारे में उतना ज़्यादा कुछ पता नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एंड स्क्रीन होता क्या है। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये मेरा एंड स्क्रीन है। अगर आपने मेरे वीडियो को एंड तक देखा है तो आपने देखा होगा कि ये एंड स्क्रीन मैं नॉर्मली अपने वीडियो के एंड में यूज़ करता हूँ। अब देख लेते हैं कि एंड स्क्रीन हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, मतलब इसकी बेनिफिट क्या है। अगर हम एंड स्क्रीन की बेनिफिट की बात करें तो एंड स्क्रीन की नॉर्मली तीन बेनिफिट हैं। पहला, एंड स्क्रीन की मदद से आपके वीडियोस में बहुत ज़्यादा आपको व्यू मिलेगा, आपको सब्सक्राइबर भी मिलेगा एंड आपकी यूज़र को आपके चैनल से रिलेटेड एक अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मेरे चैनल के अंदर एक वीडियो है जो है हाउ टू क्रिएट ए यूट्यूब चैनल, मतलब यूट्यूब चैनल कैसे बनाएंगे या फिर सेटअप करेंगे। एंड मेरे चैनल के अंदर और दो वीडियो है, वो है हाउ टू क्रिएट ए प्रोफेशनल लोगो, मतलब YouTube चैनल के लिए प्रोफेशनल लोगो कैसे बनाएं, एंड हाउ टू क्रिएट ए चैनल आर्ट, मतलब YouTube चैनल के जो चैनल आर्ट है वो कैसे बनाएं। अब मुझे पता है कि जो मेरा हाउ टू क्रिएट YouTube चैनल वीडियो देख रहा है उनको आगे चल के ये जो लोगो वाला वीडियो है एंड चैनल आर्ट वाला जो वीडियो है ये दोनों चाहिए, क्योंकि ये दोनों रिलेटेड टॉपिक है। तो मैं क्या करूँगा, हाउ टू क्रिएट YouTube चैनल वाला जो वीडियो है उसकी एंड स्क्रीन में मैं ये जो लोगो एंड चैनल आर्ट ये जो दो वीडियो है इसको मैं वहाँ पर लगा दूंगा। तो कोई अगर मेरा हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल वाला जो वीडियो देख रहा है एंड वो देख के जब एंड पे पहुँचेगा तो उनको ऑटोमेटिकली सामने मेरा ये जो दो वीडियो है मिल जाएगा एज ए सजेशन। अब यहाँ पर तीन चीज़ हो सकता है। पहला, यूज़र अगर चाहे तो मेरा ये जो सजेशन वाला दो वीडियो है इनमें से किसी एक वीडियो में क्लिक करके वो वीडियो प्ले कर सकता है या फिर देख सकता है। इससे क्या होगा, इससे मेरे जो वीडियो है इसमें व्यू मिलेगा। एंड दूसरा, यहाँ पर जैसे यूज़र को ये जो दो वीडियो है ये दो वीडियो चाहिए ही चाहिए, मतलब उनको अपने चैनल को सेटअप करने के लिए ये दो वीडियो तो चाहिए। अगर वो मेरे चैनल पे उनको मिलता है तो ठीक है, वरना वो किसी दूसरे यूट्यूबर के चैनल पे जाके वो ये वीडियो देखेगा। तो अगर वो मेरे चैनल पे ये वीडियो उनको मिलता है तो ऑटोमेटिकली उनको किसी दूसरे जगह पे जाने की या फिर वीडियो को सर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी, उनको बैठे बैठे यहाँ पर ही वीडियो मिल जाएगा। तो इससे उनको क्या होगा, एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस मिलेगा मेरे चैनल से रिलेटेड। उनको ये लगेगा कि इस चैनल के अंदर तो मेरे काम का बहुत सारी वीडियोस है। अगर वो चाहे तो यहाँ पर जो चैनल आइकन है इस पर क्लिक करके वो डायरेक्टली चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। एक बात मैं आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ, मैंने जो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है वो रिलेटेड वीडियो का दिया है, मतलब मेरा जो मेन वीडियो है वो है हाउ टू क्रिएट ए यूट्यूब चैनल, एंड उससे रिलेटेड जो वीडियो है वो है हाउ टू मेक ए लोगो एंड हाउ टू क्रिएट चैनल आर्ट। ये जो दोनों वीडियो है ये यूट्यूब चैनल से रिलेटेड वीडियो है। अब हर वीडियो का रिलेटेड वीडियो हमें नहीं मिलेगा ना, तो इसीलिए जहाँ पर रिलेटेड वीडियो है आप वहाँ पर एंड स्क्रीन में रिलेटेड वीडियो ही लगाएंगे। अगर जहाँ पर रिलेटेड वीडियो नहीं है वहाँ पर आप अपने चैनल की कोई भी वीडियो आप लगा सकते हैं एंड स्क्रीन में, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों का मानना ये है कि एंड स्क्रीन का उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप भी यही सोचते हो या फिर मानते हो तो मैं आपको एक बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ, ये जो एंड स्क्रीन वाला जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेरा कंसेप्ट है या फिर बाकी जो यूट्यूबर्स जो इसके बारे में वीडियो बना रहे हैं उनका कंसेप्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि ये जो कंसेप्ट है ये यूट्यूब ने खुद दिया है हम लोगों को यूज़ करने के लिए। अब अगर यूट्यूब ने दिया है तो कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा ना। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ज़रूर अपने एंड स्क्रीन का यूज़ करना, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो अब देखते हैं कि कैसे हम अपने मोबाइल फ़ोन से अपने यूट्यूब चैनल की जो वीडियो है उसकी एंड में एंड स्क्रीन को सेटअप करेंगे। मैं यहाँ पर अपने वीडियो की एंड में एंड स्क्रीन को जैसे सेटअप करता हूँ हम वही प्रोसेस यहाँ पर दिखेंगे। तो एंड स्क्रीन को सेटअप करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए पहले उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें जो चाहिए वो है एक एंड स्क्रीन टेम्पलेट, दूसरा एक एडिटिंग ऐप, मैं यहाँ पर काइनमास्टर को यूज़ करने वाला हूँ, आप कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, एंड थर्ड गूगल क्रोम ब्राउज़र।
तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एंड स्क्रीन टेम्पलेट को हम कैसे डाउनलोड करेंगे। तो उसके लिए हम पहले जाएंगे गूगल क्रोम ब्राउज़र पे एंड देन यहाँ पर हम google.com को ओपन करेंगे। देन यहाँ पर हम सर्च करेंगे यूट्यूब वीडियो एंड स्क्रीन टेम्पलेट। देन यहाँ से वीडियो टैब में जाएंगे, नीचे जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी एंड स्क्रीन टेम्पलेट है। ये जो एंड स्क्रीन टेम्पलेट आप देख रहे हैं, ये मैं अपने वीडियो में नॉर्मली यूज़ करता हूँ, इसी वीडियो में इसी टेम्पलेट को यूज़ करने वाला हूँ। आप अगर नीचे जाएंगे यहाँ पर चेक करेंगे तो बहुत सारी टेम्पलेट यहाँ पर अवेलेबल है, आप अपने हिसाब से अपने चॉइस के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसी को डाउनलोड करने वाला हूँ, तो उस पर क्लिक करेंगे। अगर हम चाहें तो इसको प्ले करके भी देख सकते हैं, इसको प्ले करेंगे, आप देख सकते हैं ये प्ले हो चुका है। मैं इसको पॉज कर देता हूँ। अब इसको डाउनलोड करने से पहले हम थोड़ा इसको नीचे जाएंगे एंड इसका जो लाइसेंस एग्रीमेंट है उसको एक बार चेक कर लेंगे। पिक्सबे लाइसेंस आप देख सकते हैं, फ्री फॉर कॉमर्शियल यूज़, नो एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड, मतलब आप इसको डाउनलोड करके अपने वीडियो में फ्री में यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो मीडिया हम डाउनलोड करने वाले हैं उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया है। देन डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर हमें फ्री डाउनलोड बटन पर क्लिक करना होगा एंड मैं 1280 पिक्सल बाई 72 पिक्सल ये रेजोल्यूशन सिलेक्ट करूँगा एंड डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे। अब देख सकते हैं ये जो फाइल है वो डाउनलोड हो चुका है। मैं इसको ओपन करके एक बार चेक कर लेता हूँ। ये मेरा एंड स्क्रीन टेम्पलेट है जो डाउनलोड हो चुका है। इस एंड स्क्रीन को हमें अभी अपने जो वीडियो है उसके एंड में लगाना होगा या फिर सेट करना होगा। उसके लिए मैं काइनमास्टर ऐप को यूज़ करने वाला हूँ। अगर आप कोई और एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो आप उसमें भी सेम टू सेम प्रोसेस कर सकते हैं, पर मैं एग्जांपल के लिए काइनमास्टर ऐप में मैं ये आपको करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये मेरा वीडियो है जो मैंने कम्प्लीटली एडिट किया है। अब मैं इसको आपको प्ले करके सुनाता हूँ। इस पॉइंट पे मेरा जो वीडियो है वो ख़त्म हो जाता है। अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ से मुझे जो एंड स्क्रीन टेम्पलेट है वो हमें यहाँ से लगाना होगा। उसके लिए हम यहाँ पर मीडिया पे जाएंगे एंड देन यहाँ से डाउनलोड पे जाएंगे। एंड स्क्रीन टेम्पलेट है इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ये यहाँ पर आ चुका है, मैं इसको ओके कर दूँगा। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर आ चुका है। अब मैं फिर से इसको एक बार प्ले करके आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं एंड स्क्रीन वीडियो के एंड में आ चुका है। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ वो ये है, कुछ लोग ये गलती करते हैं कि यहाँ पर जो सब्सक्राइब बटन है या फिर चैनल का जो आइकन यहाँ पे हमें देना होगा वो इस ऐप के अंदर ही वो ऑटोमेटिकली सेट कर देता है एंड जो वीडियो है उसको भी यहाँ से सेट कर देता है। अब हमें वो गलती नहीं करना है, हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये जो टेम्पलेट है ये ऐसा ही रहेगा। अब मुझे इसको सिंपली यहाँ से एक्सपोर्ट करना होगा एंड जो बाकी काम है, मतलब यहाँ पर अगर हमें चैनल लोगो लगाना है या फिर मुझे सजेस्टेड वीडियो लगाना है एंड स्क्रीन के अंदर, तो वो काम हम सब यूट्यूब में जाके करेंगे वहाँ से, यहाँ पर और हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम क्या करेंगे, सिंपली एक्सपोर्ट कर लेंगे। उसके लिए हम इस एक्सपोर्ट बटन पर जाएंगे एंड यहाँ से जो रेजोल्यूशन है, जो फ्रेम है वो हम सेटअप करेंगे, ये बिल्कुल सही है। एंड देन यहाँ से एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करके ये जो वीडियो फाइल है एक्सपोर्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मुझे आपको सिर्फ ये बताना था इसलिए मैंने आपको समझा दिया। मेरे पास ऑलरेडी ये फाइल है तो मैं इसको एक्सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ फिर से। अब हम देखेंगे कि एंड स्क्रीन को यूट्यूब ऐप के अंदर हम कैसे सेटअप करेंगे। तो उसके लिए हम पहले अपने क्रोम ब्राउज़र को फिर से ओपन करेंगे एंड देन यहाँ से हम टाइप करेंगे youtube.com। आप देख सकते हैं youtube.com यहाँ पर मोबाइल वर्जन पे ओपन हुआ है। आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ से डेस्कटॉप साइट को इनेबल कर देना है। youtube.com अभी डेस्कटॉप मोड पे ओपन हो चुका है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। देन यहाँ से हमें प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करना होगा। देन यहाँ से योर चैनल पे जाना होगा। देन यहाँ से कस्टमाइज चैनल पे जाएंगे। आप देख सकते हैं मेरा जो चैनल है वो यूट्यूब स्टूडियो में ओपन हो चुका है, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब अगर हम कंटेंट में जाएंगे तो यहाँ आप मेरे चैनल में जितने भी वीडियोज़ हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर आप
नया कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से ये जो क्रिएट वाला जो बटन है इस पर क्लिक करना होगा एंड देन अपलोड वीडियोस पे क्लिक करके अपना जो वीडियो है जो थोड़ी देर पहले आपने एक्सपोर्ट किया था उसको अपलोड कर देना है, ठीक है। पर मेरा जो वीडियो है जो मैं आपको एग्जांपल दिखाने वाला हूँ वो वीडियो मतलब हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल, ये जो वीडियो है ये मैंने ऑलरेडी अपने चैनल में अपलोड कर लिया है तो इसीलिए मैं फिर से इस वीडियो को अपलोड नहीं कर रहा हूँ। पर बाकी का जो प्रोसेस है मतलब वीडियो अपलोड करने के बाद हम एंड स्क्रीन को कैसे सेटअप करेंगे हम वो देखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेरा जो वीडियो है उसको हम एडिट मोड पे ओपन करेंगे। ये मेरा वीडियो है हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल इन मोबाइल एंड देन यहाँ पर जो पेंसिल आइकन है इस पर क्लिक करेंगे। ये मेरा वीडियो एडिट मोड पे ओपन हो चुका है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे प्रॉपर तरीके से। ये मेरा चैनल का टाइटल है, ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। ये मेरा थंबनेल है, वीडियो थंबनेल है, और भी कुछ ऑप्शंस यहाँ पर हैं। अगर हम राइट साइड पे देखें, इसको मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड स्क्रीन। जब आप वीडियो अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वीडियो जब कंप्लीट अपलोड हो जाएगा तो फिर इसी जगह पे आपको एंड स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा। मतलब चाहे आप कोई वीडियो एडिट करो या फिर नया वीडियो अपलोड करो, करने के बाद यही इंटरफेस आपका ओपन होगा एंड राइट हैंड साइड पे यहाँ पर ही आपको एंड स्क्रीन मिलेगा। एंड स्क्रीन को सेटअप करने के लिए या फिर लगाने के लिए आपको यहाँ पर एंड स्क्रीन पे क्लिक करना होगा। ये पेंसिल आइकन पे हम क्लिक करेंगे, ये एंड स्क्रीन वाला जो विंडो है ये ओपन हो चुका है, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। अब मैं इस वीडियो को एक बार प्ले करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये वीडियो मेरा आ चुका है, जो काइनमास्टर ऐप के अंदर मैंने इस एंड स्क्रीन को सेटअप किया था वो यहाँ पर आ चुका है। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ टेम्पलेट यूट्यूब बाय डिफॉल्ट देता है, यहाँ पर 6 टेम्पलेट है जो यूट्यूब खुद यहाँ पर देता है। ये टेम्पलेट उन लोगों के लिए है जो अपने वीडियो में एंड स्क्रीन टेम्पलेट नहीं यूज़ करते हैं। अगर आप अपने वीडियो में एंड स्क्रीन टेम्पलेट को नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर से डायरेक्टली किसी भी टेम्पलेट को आप अपने वीडियो के एंड में यूज़ कर सकते हैं। पर अगर आप कोई एंड स्क्रीन टेम्पलेट यूज़ करते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, तो फिर उस टाइम पे मुझे ये टेम्पलेट, ये जो बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट है ये नहीं चाहिए, मेरे वीडियो के अंदर ऑलरेडी है। अब मुझे क्या करना होगा, एलिमेंट को सेटअप करना होगा। पर उससे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि यूट्यूब के अंदर क्या क्या एलिमेंट है, मतलब यहाँ पर हम क्या क्या सेट कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ अब ताकि आपको आसानी से दिखाई दे। एलिमेंट पे अगर हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला है वीडियो। अगर हम वीडियो पे जाएंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन YouTube दिया है। पहला मोस्ट रिसेंट अपलोड्स, मतलब आपका जो मोस्ट रिसेंट आपने वीडियो अपलोड किया होगा वो ही यहाँ पर आ जाएगा। और ये जो मोस्ट रिसेंट अपलोड ऑप्शन ये YouTube खुद से सिलेक्ट करेगा, मतलब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि आप हर रोज़ तो वीडियो अपलोड करोगे ना, तो जो मोस्ट रिसेंट अपलोड है वो ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। इसलिए आप अगर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे तो क्या होगा, YouTube खुद से आपका जो मोस्ट रिसेंट अपलोड है वो यहाँ पर खुद से दिखाना शुरू कर देगा। फिर है बेस्ट फॉर व्यूअर्स, ये जो ऑप्शन है ये भी YouTube खुद से पिक करेगा, मतलब व्यूअर के लिए जो बेस्ट वीडियो होगा वो YouTube यहाँ से खुद से सिलेक्ट करेगा। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना होगा, आपको सिर्फ ऑप्शन को सिलेक्ट करके जो वीडियो का जो लोकेशन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर से आपको सिलेक्ट कर देना है बस। फिर थर्ड जो ऑप्शन है वो है चूज़ स्पेसिफिक वीडियो, ये जो ऑप्शन है मतलब मेरे केस में मैं चूज़ स्पेसिफिक वीडियो ही चूज़ करूँगा। वो क्यों, इसलिए मैंने आपको कहा था मैं रिलेटेड वीडियो का एक एग्जांपल यहाँ पे देना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं पर्टिकुलर किसी सिलेक्टेड वीडियो को चूज़ करना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। फिलहाल मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ अभी क्योंकि मुझे बाकी जो ऑप्शन है वो भी देखना है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है प्लेलिस्ट। अगर आपके चैनल में कोई प्लेलिस्ट है एंड उस प्लेलिस्ट को अगर आप अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। कुछ भी नहीं बल्कि यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट सिलेक्ट करना होगा एंड जो भी आपका प्लेलिस्ट है, मेरे यहाँ पर अभी 2-3 प्लेलिस्ट है तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर से प्लेलिस्ट को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ या फिर एंड स्क्रीन में अपने व्यूअर्स को सजेस्ट कर सकता हूँ। मैं इसे भी अभी सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं क्लोज कर देता हूँ। मैं थोड़ा सा जूम करूँगा फिर से, फिर एलिमेंट पे क्लिक करेंगे एंड देन है सब्सक्राइब।
अगर आपको अपने चैनल के एंड स्क्रीन के अंदर कोई सब्सक्राइब बटन देना है तो आप यहाँ पर सब्सक्राइब पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन भी अपने एंड स्क्रीन पे लगा सकते हैं। एंड जब आप सब्सक्राइब बटन लगाएंगे तो उस सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके कोई व्यूअर्स या फिर यूज़र डायरेक्टली आपके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है चैनल। अगर आप पर्टिकुलर किसी चैनल को अपने व्यूअर्स को सजेस्ट करना चाहते हो देखने के लिए तो इस चैनल ऑप्शन को सिलेक्ट करके भी आप वो कर सकते हो। नेक्स्ट है लिंक। लिंक अभी डिसेबल है। लिंक क्या है? नॉर्मली अगर आपका कोई वेबसाइट है एंड किसी यूज़र को आप डायरेक्टली वेबसाइट ले जाना चाहते हो इस लिंक ऑप्शन से भी आप वो कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने वीडियो के अंदर। अब हम देखते हैं कि हम कैसे अपने एंड स्क्रीन को सेटअप करेंगे। ये मेरा वीडियो का एंड स्क्रीन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या है। पहला, ये जो राउंड ये जो सर्कल है यहाँ पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर हमें सब्सक्राइब वाला जो बटन है वो हमें देना होगा चैनल का सब्सक्राइब करने के लिए। एंड चेक दिस कूल वीडियोज, यहाँ पर जो दो वीडियोज है यहाँ पर हमें स्पेसिफिक वीडियोज देना होगा क्योंकि यहाँ पर हम रिलेटेड वीडियोज देना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो सब्सक्राइब बटन है उसको लाएंगे। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर से इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। एलिमेंट पे जाएंगे एंड देन यहाँ से सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सब्सक्राइब पे क्लिक किया आप देख सकते हैं यहाँ पर दो चीज़ हुआ। पहला, इस वीडियो फ्रेम के अंदर एक सब्सक्राइब मेरा जो चैनल का लोगो है वो यहाँ पर आ चुका है। एंड नीचे टाइमलाइन पे एक सब्सक्राइब वाला जो एलिमेंट है ब्लू कलर का आप देख सकते हैं सब्सक्राइब चंदन आचार्जी ये आ चुका है। अब मुझे क्या करना होगा, ये जो सब्सक्राइब आइकन है मतलब ये जो चैनल का लोगो है इसको हमें एडजस्ट करना होगा इस सर्कल के अंदर। आइए कर लेते हैं। चैनल का जो लोगो है वो मैंने सेट कर दिया है। अब हमें बाकी जो दो वीडियो है वो यहाँ पर डालना होगा। पहला जो वीडियो होगा वो है लोगो का एंड सेकेंड जो वीडियो होगा वो है चैनल आर्ट का। तो उसके लिए हम फिर से यहाँ पर एलिमेंट पे जाएंगे एंड देन यहाँ पर वीडियोस पे क्लिक करेंगे एंड नीचे जो चूज स्पेसिफिक वीडियो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करेंगे। हाउ टू मेक फ्री लोगो, ये मेरा वीडियो है, इसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया ये वीडियो मेरे फ्रेम पर आ चुका है, ये टाइमलाइन पे और एक वीडियो ऐड हो चुका है। अब हमें क्या करना होगा, इसको इसका जो पोजीशन है उसको हमें सेट करना होगा। मैंने पोजीशन सेट कर दिया है। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये जो टाइमलाइन है मैं इसको पहले पोजीशन पे ले जाता हूँ एंड देन मैं इसको प्ले करता हूँ। आप देख सकते हैं मेरा वीडियो पहले ही आ गया, फिर जो बैकग्राउंड है वो आया, तो इसलिए इसका जो पोजीशन है इसको हमें सेट करना होगा। उसके लिए कहाँ से सेट करना होगा आप देख सकते हैं, मैं इसको पहले सिलेक्ट करूँगा एंड देन इसको यहाँ से छोटा करके मैंने इस पोजीशन को सिलेक्ट कर दिया। अब मैं इसको वीडियो को फिर से एक बार प्ले करके दिखाऊँगा। हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो अब मुझे जो नेक्स्ट वीडियो है चैनल आर्ट का वो यहाँ पर ऐड करना होगा। तो उसके लिए फिर से हम एलिमेंट पे जाएंगे एंड देन वीडियो चूज़ करेंगे एंड देन चूज़ स्पेसिफिक वीडियो सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से हाउ टू क्रिएट चैनल आर्ट इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे एंड देन इसका जो पोजीशन है वो भी सेम कर देंगे। कर दिया। अब अगर मैं फाइनली इस वीडियो को प्ले करता हूँ तो आप देखना, देख सकते हैं बिल्कुल सही है। अब इसका जो पोजीशन है उसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर दूंगा। हाँ, एडजस्ट हो चुका है। मैं फिर से इसको एक बार प्ले करके आपको फाइनली दिखाता हूँ। ये मेरा सब्सक्राइब बटन आ चुका है। अब ये दो वीडियो यहाँ पर सजेस्ट में आ चुका है। ये 20 सेकेंड तक चलेगा। ये कंप्लीट हो चुका है। मेरा जो एंड स्क्रीन है वीडियो का वो मैंने सेटअप कर दिया है एंड देन उसके बाद हमें यहाँ पर सिंपली सेव बटन पे क्लिक करना होगा। तो इसी तरह से आप अपने वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन को सेटअप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से अपने वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन को सेटअप करेंगे वो आपको समझ में आया होगा।
अगर इस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर पूछना, मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर देने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना। अगर चैनल में आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।